हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे अरवी के पत्ते के रिक्वज। इससे पहले मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ पालक के रिक्वज की रेसिपी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आज अरवी के पत्ते के रिक्वज बनाएंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी लगते हैं। इसे कई जगह पतौड़, आलू बड़ी और अरवी के पत्ते के पकौड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो आज यूपी स्टाइल में रिक्वज बनाएंगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। ऐसा नहीं है कि बेसन रैप कर दिया पत्तों में और बना दिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी और बनाते हैं अरवी के पत्ते के रिक्वज। तो ये अरवी के पत्ते लिए हैं मैंने, करीब 7 से 8 अरवी के पत्ते हैं, छोटे बड़े मीडियम, जैसे आपके पास अवेलेबल है आप सबसे बना सकते हैं। इसको अच्छे से हमें वॉश कर लेना है, 2-3 बार पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। तो इसका हमें मिक्सचर तैयार करना है, जिसमें हम ये पत्तों को रैप करेंगे। तो उसका मिक्सचर हम तैयार करेंगे। ये बेसन लिया है मैंने, 1 कप बेसन है, जिसे छान लिया है। और बेसन के साथ ही हम ऐड कर रहे हैं ये उड़द की दाल है, छिलके वाली उड़द की दाल ली थी मैंने, जैसे ओवरनाइट सोक करके रखा था। आप 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं पानी में। अच्छे से वॉश कर लिया है, छिलका निकाल लिया है। बिना छिलके वाली उड़द दाल भी आप ले सकते हैं। हींग लिया है, जीरा लिया है, साबुत धनिया है और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, धनिया लिया है और हरी मिर्च ली है मैंने। तो जितना तीखा आपको बनाना है उसके हिसाब से हरी मिर्च आप ले सकते हैं। मैंने करीब 5 से 6 हरी मिर्च ली है, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं है। तो अभी हम बेसन को छोड़ के बाकी सबका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो बेसन को हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दाल और ये जो मसाले हैं और धनिया, हरी मिर्च, इनका हम एक स्मूथ पेस्ट पहले तैयार कर लेते हैं। अच्छे से पीस लेना है इनको। तो चलिए पहले दाल को एक मिक्सी जार में मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो मिक्सी जार में दाल को हमने डाल दिया है, इसी में धनिया, साबुत धनिया जो हमने ली थी करीब 1 चम्मच, वो डाल देते हैं। लहसुन की कलियाँ हमने डाल दी हैं इसमें, हरी मिर्च डाल देते हैं, हींग और जीरा, हरा धनिया, और ये हमारी हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे और पानी डाल देंगे। तो इसमें ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, जितना ज़रूरत है इसको पीसने के लिए उतना ही पानी आप इसमें डालें। और एक स्मूथ पेस्ट हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है ये हमने दाल का पेस्ट, इसी में अब हम ऐड करेंगे बेसन। 1 कप बेसन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है, और ये जीरा पाउडर थोड़ा सा, और ये गरम मसाला करीब 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। ये सूखे मसाले इसमें हम ऐड करेंगे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दाल के साथ हम सभी मसालों को और बेसन को मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ रही है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं, अगर मिक्स करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो बहुत थोड़ा सा पानी आप इसमें डालें। मैंने करीब यहाँ पे 2 चम्मच के करीब पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये बैटर हमें थोड़ा सा लूज़ नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट बैटर बनाना है, तभी जो अरवी के पत्ते हम अच्छे से उसको रैप कर पाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह का इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये दाल और बेसन का जो बैटर है ये रेडी हो चुका है। अभी हम किसी भी बड़ी थाली या प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर ये पत्ते रखेंगे उल्टा करके। अभी हम ये जो इसकी डंडियां हैं उसको निकाल लेते हैं काट कर, ताकि इसको रैप करने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से थोड़ा सा हम इसको छील लेंगे, ये जो सभी पत्तों में से निकाल लेते हैं इसे अच्छे से। अब हम जो हमारे अरवी के पत्ते हैं अपोजिट साइड से हम इसको रखेंगे,
उल्टा रखना है और इसके ऊपर हम ये पेस्ट लगाएंगे स्पून की हेल्प से। अच्छे से फैलाना है, पूरे पत्ते पर लगना चाहिए। जितना अच्छे से आप ये बैटर लगाएंगे पत्ते के ऊपर, उतनी अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी और टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। इसी तरह से दूसरा पत्ता भी हम इसके ऊपर रख देंगे अरवी का, इस तरह से। और इसके ऊपर हम फिर ये पेस्ट लगाएंगे जो हमने बैटर तैयार किया था। तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, जो दाल और बेसन का हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो इसी तरह से होना चाहिए, थोड़ा सूखा होना चाहिए। ज़्यादा पतला अगर आप रखेंगे तो इसको रैप करने में दिक्कत आएगी। तो इसी तरीके से आपको पहले तैयार करना है ये बैटर और पत्ते के ऊपर अच्छे से लगा देना है चारों तरफ से। किनारियों में भी हम लगा देंगे। तो अरवी के पत्ते का रोल आप जितने पत्तों का बनाना चाहें उसके हिसाब से बना सकते हैं। फिर हमने ये साइड्स, जो इसके साइड्स होते हैं, इसको मैंने फोल्ड कर दिया है इस तरह से। मैंने दो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बड़े पत्ते हैं तो ये दो पत्ते का मैंने ये रोल तैयार किया है। ये जो साइड्स हमने फोल्ड करी हैं इसके ऊपर भी हम ये लगा देंगे पेस्ट अच्छे से। अगर आपके पास छोटे पत्ते हैं तो आप 3 से 4 पत्ते का भी रोल बना सकते हैं, बड़े हैं तो 2 पत्तों का अच्छा सा रोल बन जाएगा ये आपका। अभी हम किनारी से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, और दूसरी तरफ से भी इसको उठाकर इस तरह से मोड़ देंगे। और अब इसको हम रोल कर देंगे बिल्कुल, थोड़ा टाइट हाथ से इस रोल करते जाएंगे इस तरह से। देखें, ये हमारा पहला अरवी के पत्ते का रोल जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हुई है, ऐसा नहीं है पत्ता खुल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से सारे अरवी के पत्ते के रोल हम तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 3 अरवी के पत्ते के रोल तैयार कर लिया है। अभी बारी आती है इसको स्टीम करके हम पकाएंगे। तो मेरे पास स्टीमर है, इडली मेकर है मेरे पास, तो मैं उसमें बनाऊंगी। तो ये प्लेट मेरे पास है जिसमें हम नॉर्मली ढोकला बनाते हैं, इसको हम थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम ये रोल रख देंगे अरवी के पत्ते का। और अभी हम स्टीमर में, चलिए पानी गर्म करने के लिए हमने रखा हुआ है वो देख लेते हैं। तो पानी देखिए पहले अच्छे से उबलना चाहिए, जैसे यहाँ पे अच्छे से पानी उबल रहा है, बॉईल आ चुका है। अभी हम इसमें ये जो हमने रोल बना के रखे थे वो प्लेट इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम ढक देंगे अच्छे से, इसे कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे स्टीम देंगे। तो पानी इसमें इनफ होना चाहिए, बीच में आप एक बार चेक कर सकते हैं, इनकेस पानी ख़त्म हो गया तो आप और पानी फिलअप कर लीजिए, लेकिन इसे अच्छे से पकाना है। तो पहले से ही थोड़ा ज़्यादा पानी आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सीम हो पाएगा। तो 20 मिनट्स बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं फॉक या नाइफ की हेल्प से। तो देखिए कितना अच्छे से ही हमारा स्टीम हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हमारा फॉक बाहर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे से पक चुका है, अच्छे से स्टीम हो गया है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे हम प्लेट से बाहर निकालेंगे। थोड़ा ठंडा होने पर इसे मैंने प्लेट से बाहर निकाल लिया है। और ये देखिए हमारा कितने अच्छे से ये अरवी के पत्ते का जो रोल हमने बनाया है बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है, पत्ते बिल्कुल भी खुले नहीं हैं, बाइंडिंग बहुत अच्छी करी थी हमने इसकी। अभी बहुत गर्म है, पहले इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे फिर हम इसको पीसेस में कट करेंगे। तो ठंडा हो चुका है ये, तो इसके ज़्यादा पतले पीसेस मैं नहीं करूँगी, थोड़े मीडियम साइज़ के पीस रखने हैं और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से मीडियम साइज़ के आप इसके पीसेस कर लीजिए, देखिए कितने अच्छे पीसेस निकल रहे हैं इसके। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैं शैलो फ्राई करूँगी, बहुत कम तेल में भी आप इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो तवे या फ्राई पैन में हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो तवे का यूज़ कर रही हूँ मैं, इसमें हम डालेंगे ऑयल और इसे गर्म होने देंगे।
डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप, तो जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको फ्राई करें। शैलो फ्राई करने में ये ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम ये इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो सारे पीसेस को हम तवे पर रख देते हैं और गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम रखी हुई है। पहले एक तरफ से इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, तभी हम इसको दूसरी तरफ से टर्न करेंगे। तो इसको टर्न करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और काफी क्रिस्पी भी हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखने में ही कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत बढ़िया कलर आया है, काफी क्रिस्पी भी हो गए हैं। अभी हम इनको तवे से बाहर निकाल लेते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो ये हमारे अरवी के पत्ते का रिक्वच यूपी स्टाइल में बिल्कुल रेडी है। इसे आप कोई भी अपनी फेवरेट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ या केचप के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।